और इस बीच एक और बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका। सत्येंद्र जैन की स्थायी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए भी कहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की स्थायी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए अब कहा है। अब देखना होगा कि क्या वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ये जानकारी। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा ये भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जमानत की अर्जी ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी उनसे इस खबर पर भी ले लेते हैं। सुमित, जैसे कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बेहद अहम है, ये बड़ा झटका, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या सारी उम्मीद जो है यहां पर खत्म होती नजर आ रही है सत्येंद्र जैन के लिए? क्या वो सरेंडर करेंगे अब? जी बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। पिछले करीब एक साल से वो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे। स्वास्थ्य के आधार पर पिछले साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी, और आज नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि आप तुरंत सरेंडर करें इस पूरे मामले में, क्योंकि इस स्टेज पे आपको अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है, लिहाजा आपको तुरंत सरेंडर करना होगा। क्योंकि जब फैसला सुनाया जा रहा था तो सत्येंद्र जैन के वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कुछ फिजियोथेरेपी कराने की जो इजाजत जो है वो कम से कम सत्येंद्र जैन को दी जाए, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि नहीं, आप तुरंत सरेंडर कीजिए, आपको अब और मोहलत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पिछले साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो कि अब तक वो जेल से बाहर थे। स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें इंटरिम बेल मिली हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप सरेंडर तुरंत कीजिए और आपकी जो नियमित जमानत है वो खारिज की जाती है, और साथ ही जो इंटरिम बेल आपको मिली हुई थी उसे भी रद्द किया जाता है। लेकिन जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लंबा लंबा टाइम वो बाहर है अंतरिम जमानत के तहत, लेकिन अब जो जमानत याचिका खारिज की गई है, तो मुख्य आधार बताइए क्या आधार रहा। दूसरी तरफ ये भी बताइए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्यों का हवाला दे दिया है, मेडिकल चेकअप का हवाला दे दिया है, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो फिर क्या ये पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये भी बताइए मेडिकल चेकअप्स को लेकर। देखिए सीधे तौर पर यहाँ मेडिकल जो एम्स की जो मेडिकल बोर्ड है उसने अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट दे दी थी, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर जो चेकअप हुआ था, जो भी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को कराया जाना था वो ट्रीटमेंट हो चुका था। ईडी इसी बात का विरोध कर रही थी कि अब उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर और जमानत नहीं दी जा सकती है और इंटरिम बेल बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन इस दौरान इंटरिम बेल के साथ साथ नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल भी सत्येंद्र जैन ने दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ऐसा संजीदा मसला है, गंभीर मसला है, इसमें अगर सत्येंद्र जैन जेल से बाहर रहते हैं तो वो सबूतों और गवाहों को टेंपर कर सकते हैं, यानी कि सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इस स्टेज पे सत्येंद्र जमानत नहीं दी जा सकती है, जो कि इंटरिम बेल जो मिली थी स्वास्थ्य के आधार पर मिली थी, स्वास्थ्य अब उनकी उनका ठीक है, ऐसे में उन्हें अब सरेंडर करना चाहिए। तो ऐसे में अब सत्येंद्र जैन को इस लिहाज से जमानत नहीं दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, अगर वो जेल से बाहर रहते हैं तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुमित, नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे हर एक मुद्दे पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका सुमित। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, अब देखना होगा कि क्या वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये कह दिया गया है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, लेकिन उनको सरेंडर अब करना होगा।